ठीक है, सब ठीक ठाक। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था। ठीक है, द फॉरगॉटन सैंड। यस, प्रिंस ऑफ पर्सिया द फॉरगॉटन सैंड। देखो, जो लोग ट्रायलॉजी को खेले हैं, मतलब यूबीसॉफ्ट के तरफ से द सैंड्स ऑफ टाइम, द टू थ्रोन्स, वॉरियर विदिन, हो सकता है उन लोगों को ये गेम उतना अच्छा ना लगे। ठीक है, यू कंप्लीटली नो दैट वाई, बट ये गेम अच्छा है। ठीक है, इसके पजल्स काफ़ी अच्छे हैं। एंड अबाउट द फॉरगॉटन सैंड, इसके चार वेरिएशंस बने थे दैट टाइम। एक जावा एडिशन है, जावा एडिशन पता नहीं तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं, न्यूमेरिकल कीपैड वाला फ़ोन जो हुआ करता था, बटन्स वाले जो फ़ोन हुआ करते थे उसमें एक था, एक PSP वर्जन था जो हम इस चैनल में अपलोड किए हुए हैं, एंड तीसरा निंटेंडो के तरफ से वी में आया था, एंड चौथा दिस वन जो बड़े टाइटल यानी कि ये मेन था। एंड सभी के स्टोरी एकदम अलग है, ठीक है, एज वेल एज गेम प्ले भी। वैसे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जान लो भाई, कल को क्या पता हिस्ट्री मतलब विकिपीडिया से ही गायब हो जाए तो। एंड हाँ, मेरा फर्स्ट प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम जावा एडिशन वाला ही था, बस हैसियत नहीं था PC वाला खेलने का। एनीवे, चलो भाई इसको स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, हम कंट्रोलर कनेक्ट किए हुए हैं, कंट्रोलर से खेलेंगे। कीबोर्ड माउस में हम पहले भी खेल चुके हैं, मतलब कि बहुत पहले जब हम खेले थे तो मज़ा तो आया था, लेकिन हम सोच रहे चलो इसको कंट्रोलर में खेलते हैं। ओके, तो ये सब तो करना है नहीं। न्यू गेम, यस, सेलेक्ट योर लेवल, डिफ़िकल्टी, जहाँ तक हमको याद है, नहीं हमको याद ही नहीं है एक्चुअली। नॉर्मल में कंप्लीट करने से शायद हार्ड मोड अनलॉक होता है, या फिर नॉर्मल तक ही है। अगर आप लोगों ने खेला है तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स गो गाइज, स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, ये वाला जो जगह है ना, जो जो द सेंस ऑफ टाइम में दिखाया गया था, ये लोकेशन, ये हम पहले भी बता चुके, ये अब तक का बेस्ट अपग्रेड वाला एरिया। लेकिन ये अपग्रेड एरिया नहीं है, यहाँ में स्टोरी बहुत चेंज है। अब प्रिंस को पता चला कि प्रिंस लड़का नहीं, लड़की है। क्या गंदा जोक मारे हैं भाई, छोड़ो जाने दो। Know that I am a son to King Shahriman and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. This territory was once the heart of King Solomon's mighty empire. According to legend, it holds a secret we are sworn to protect. Perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms. Malik was sent here so the army would have a strong commander to discourage attacks. But even Malik's feigned strength could not discourage everyone. देखो, स्टोरी क्या है तुम लोग जानते हो, हमको नहीं लगता है कि यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत है। बस इतना जान लो कि ये जो जगह है, जो इसका भैया जो रूल कर रहा है, ये जगह पहले किंग सोलोमन का हुआ करता था। तो यहाँ में अब इसका भाई काम कर रहा है, मतलब कि यहाँ का तख्ता संभाल रहा है। किंग सोलोमन एक टाइम में हुआ करता था कोई राजा, खैर उसके बारे में पता चलते ही रहेगा। तो ये उसका भाई है मलिक। एक गोला आ रहा था आग का, वो प्रिंस को दिख सकता था, इतना हाइट में तो था ही, लेकिन फिर भी डेवलपर का पता नहीं क्या मन किया। थोड़ा सा खून में प्रिंस गुस्सा हो गया शायद। ओके, ठीक है, हमको थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इसमें स्पीड तो दौड़ता नहीं है, ये इतने ही आराम से दौड़ता है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, इन लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग ह्यूमन से नहीं लड़ेंगे। ओके, कंट्रोलर में थोड़ा हम स्मूथ खेल पा रहे हैं बाय द वे। अरे भाई क्या हुआ? ओके, हम बटन प्रेस नहीं कर रहे थे, तो एक मिनट यहाँ होता है। यस, रिमेंबर टू होल्ड, यस हम बटन छोड़ दिए थे इसलिए वैसे हुआ। यहाँ से एक मिनट, हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं शायद, मरना ना मत। ओके, अरे भाई खेलें इस गेम को, तो थोड़ा बहुत ट्रिक तो हमको पता ही है, लेकिन हाँ इसमें इतना ट्रिक नहीं है, जहाँ तक हमको याद है इसमें इतना भी ज़्यादा ट्रिक नहीं है जितना इससे पहले वाले ट्रायलॉजी में हुआ करते थे। लेकिन हाँ ये स्मूथ तो बहुत है, स्मूथ इन द सेंस कि जितना स्मूथ से ये प्रिंस चल रहा है उसमें ऐसा नहीं था। और सोल्जर्स, ओके ओके, जैसा कि हम बोले ह्यूमन बींग्स हम लोग लड़ने वाले तो नहीं है, ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं। कितना तलवार मारेंगे गाइस, जंप बटन ही प्रेस कर दिए थे, पुराना गेम का आदत है ना गाइस, मतलब कि पहले वाले प्रिंस ऑफ पर्सिया में जब क्लाइम करना रहता था तो जंप बटन ही दबाना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये इतना आराम से दौड़ता है ना, इसमें हमको आपत्ति है गाइस। ओ, हमको लगा कटसीन होगा। सबसे अच्छा ये रन बहुत अच्छा है इसका, बहुत रियलिस्टिक तो नहीं है लेकिन बहुत स्मूथ है। कंट्रोलर में अभी तक हमको ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अरे नहीं, ओके लो भाई, अभी यूप्ले को कनेक्ट होने का मन किया है। सच में पुराने गेम के साथ ना क्या हम गलती कर दिए? अरे भाई चलो, अच्छा यहीं में स्टार्ट हुआ। हाँ तो हम बोल रहे थे पुराने गेम्स के साथ ऐसा ही है, कनेक्शन बहुत लेट में होता है या फिर होता ही नहीं है अगर आपके पास ओरिजिनल प्रिंस ऑफ पर्सिया है तो, मतलब प्रिंस ऑफ पर्सिया नहीं, ओरिजिनल प्रिंस ऑफ पर्सिया कोई भी गेम है तो। भाई हम गलती कर दिए, हम पर अच्छा मरना मत। ओके, इतना इजी वाला हम नहीं कर पाए। इतना दूर से बोलेगा और उसको सुनाई देगा क्या? कोई चांस नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है, कंट्रोलर में थोड़ा सा दिक्कत तो हो गई। ये लोग देखते ही रहते हैं, पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही, कुछ चेंज नहीं। सबसे मजा आता है यही चीज करने में, पार्कौर।
होल्ड, क्या पावर अटैक कुछ था, ये सब हम लोग करेंगे गाइस बाद में करेंगे। अरे भाई ये ग्लिच हुआ गाइस। अच्छा ग्लिचेस हम तो भूल गए थे, इसमें हमको ग्लिचेस का सामना करना पड़ेगा, कोई बात नहीं ये भी झेल लेंगे। जाते ही जा रहा है, इस बार प्रिंस समझ गया, इसलिए वो चिल्लाना, इस बार वो चिल्ला के मतलब कि बुलाए, मतलब कि मलिक का नाम नहीं लिया। अरे नहीं ओके कंट्रोल्स हमको समझना होगा, वैसे भी हम ज़्यादा तो वही ट्रायलॉजी वाला ही प्रिंस ऑफ पर्सिया खेले हैं। क्या हम पीछे जंप कर सकते हैं क्या, पीछे ग्लिच हुआ अभी भी गाइस। ओके ओके एक मिनट, हम यहाँ से नीचे भी तो जा सकते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं, हमको थोड़ा टाइम लगेगा, ये लोग मारते ही नहीं है जल्दी, आराम से हम निकल गए। हमको लगा होगा नहीं, एक सेकंड यहां से हम ऊपर जा सकते हैं ना। अरे भाई ओके ये ग्लिच हो रहा है, अपने आप ऊपर जा रहा है। अब तो यहां से जा सकते हैं, यस ऑलराइट। अब अच्छा से चिल्लाएगा। Is this how you welcome family? You've picked a bad time for a visit. I would have said you've picked a bad time for a war. Well, next time I expect you, I'll tell my enemies not to invade. It's fortunate you're there. We need this gate open. The mechanisms are on those towers. Once you activate them all, the gate will rise. I assume since you got yourself up there, it won't be a problem. Not at all. Good. And then get down here quickly. I don't want to tell our father you were injured while in my care. Your care? इसके भाई को कभी मेंशन किया गया था इससे पहले वाले ट्रायलॉजी में, ये आप लोग बताना गाइस। ओके हमें ये एक सेकेंड, कटसीन हमको, कटसीन बोल रहे हैं, सबटाइटल हमको नहीं दिख रहा है। क्या ट्यूटोरियल ऑफ नया, अरे भाई चेंज कंट्रोल, अरे सबटाइटल नहीं है क्या, हमको मेन मेनू में जाके ये करना पड़ेगा। अरे भाई आज ऐसे ही एडजस्ट कर लो गाइस, हमको लगता है मेन मेनू में हमको जाके सबटाइटल का वो ऑप्शन होगा, वो चेंज करना होगा। ओके और ये अरे भाई दौड़ो, ओपन करने से पहले हमको देख लेना चाहिए था।
गेम स्टार्ट करने से पहले इतना खुला में तीर मारेगा तो ये होना ही है। ठीक है, हमें तो मलिक ने हमें सोलोमन वॉल्ट पहुंचने का बात किया है। अरे भाई, I'll catch up with you. Yes, I'll just take the long way around. It's much faster. ना भाई, लड़ना नहीं है, थोड़ा जल्दी में। एक सेकंड, यस इधर ही जाना है। इतना आराम से प्रिंस दौड़ता है जैसे कोई डरे नहीं है किसी से। एक मिनट, क्या हम यहाँ से पहले हम द टू थ्रोन्स में, यस टू थ्रोन्स में ऐसा हम किए तो थे। क्या हम लोग पहुंच गए ना? द पैलेस कंट्री यार्ड, कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड, कंट्री यार्ड, हम ध्यान नहीं दिए। क्या फर्क पड़ता है? To release King Solomon's army. He'd be mad to rely on a mythical army to stop this invasion. I have to warn him. Okay, जो मलिक करना चाह रहा है उसके लिए प्रिंस रोकना चाहता है मलिक को। भाई ये सब करने में कितना मजा आता है। ये लोग देखते रहते हैं ना, यही प्रॉब्लम है। अच्छा बात यह है कि इसमें ऑटो के ऑटो फोकस जैसा कुछ है नहीं। कहाँ जाना है? ओके ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अटक क्यों रहा है भाई? By the time I reached the vaults, I understood why Malik had come here. He had placed his last hope in the army. His only other option was retreat and defeat. प्रिंस लगता है खुश है ये सब करके। ओके, बाकी लोगों को लड़ाई नहीं करना है। यहाँ के चिराग, लेकिन ये लोग है कहाँ के? They had met with no resistance and were calmly stealing what treasure they could. I knew then the palace was lost. Okay, ये सब याद है हमको फिलहाल तो, अभी तक ये सब याद है कहाँ कहाँ जाना है। That means हम शायद अच्छा सही खेले थे पिछले बार, मतलब कि इस गेम को।
ये काफी अच्छा दिखता है करने में। ओके चलो भाई। ओके पहुंच गए। ओ, ओ, हम जिससे बी बटन हम प्रेस कर दिए थे जिससे कैंसल होता है भाई। ओके अब तो पक्का पहुंच गए होंगे। यस दिखाना चाहिए ना कैसे उतरा। It's good to see you. Come with me. We shall see what our enemies make of Solomon's army. Malik, this is madness. You have to get out of here. Save yourself and what's left of your people. My people are all but dead. You've seen for yourself the palace has fallen. There's no other way. If I can control this army, we can win this battle easily. And if you can't control it, what then? Would you have me retreat and leave this power in the hands of my enemies? At least this way we have a chance. This army isn't meant for man to use. You know nothing about the choices a leader must make. तो सोलोमन ग्रंडी बोलने मन करता है। सोलोमन ग्रंडी को अगर आप लोग जानते हो तो। I'm not trying to question your leadership. Don't even know what you're releasing. As many warriors as the grains of desert sand. Okay, तो जो हम बोलना चाह रहे थे, जो किंग सोलोमन है उसके कुछ डेड आर्मी को ये लोग मलिक जो है वो जिंदा करने का कोशिश कर रहा है, मतलब कि कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, उसको बुलाने का कोशिश कर रहा है ताकि जो जंग है उसको जीता जा सके। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये देखने में अच्छा लगता है। इट्स बीन ए वाइल्ड गाइस, काफ़ी टाइम बाद ये सब देखने मिल रहा है, अच्छा है ना। ये सब होता है तो भाई भाग जाना चाहिए, कहीं प्रिंस तो चढ़ सकता है, कहीं भी चढ़ के देखना चाहिए हो क्या रहा है। अब पता चला किसी का ईगो हर्ट कर दिया इसने। सिर्फ देख रहा है, तलवार निकाल के शायद मार सकता था ये, लेकिन हाँ कोई भी उसके संपर्क में आएंगे वो होंगे ही होंगे। अब इसका असली फेस दिखता है गाइस, ये रहा, वो हाथी नहीं था, वो कोई और ही था। ओके तो हमें फोर्ट्रेस पहुंचना है अब। एंड आई थिंक ये रतास नाम है इस गेम में इसका, एंड ये जिन है। ओके यहां तो दौड़ना पड़ेगा भाई। भाई फिर कनेक्टेड। ओके ओके एक मिनट, हम लोग नीचे भी तो वैसे कर सकते थे।
ऑल राइट, आगे का रास्ता बंद है, दैट मीन्स हमें यहीं जाना है। इसके शोल्डर तो देखो भाई, मसल्स काफी अच्छे हैं इस बार प्रिंस के। चलो भाई, क्या है पता चल जाएगा। कंट्रोलर में हम लोग इस तरह से धीरे चल सकते हैं ना, आराम से होता है कंट्रोलर में। तो ऐसा हुआ था, बोल ही दो प्रिंस। That is how I found my way here. Where is here exactly? And who are you? And what do you know of King Solomon's army? We are Razia, Queen of the Marid, Guardian of the Waters, and ally to King Solomon himself. We helped to seal that army away. That would have been more than 1,000 years ago. You couldn't possibly... I am of the Jinn. We are not so short-lived as humans, or so quick to forget things of vital importance. तो ये भी जिन ही है, और वो रतास भी। Brother has unleashed. That army did not belong to King Solomon. It was sent to destroy him. The army was formed from the desert sand itself. It is a disease. The more sand it touches, the more soldiers it will create. If you do not trap it quickly, it will cover the world. How can I stop it? Do you still have the half of the seal you picked up? Of course. Good. That is a powerful magic. Alone, it will help you fight the army. If you reunite the two halves, you will recreate its prison. You must find the other half of the seal and match it to this one. Malik still has it. Then you must find him, and quickly. We will give you the help of the Jinn. What did you do? If you wish to stop the army, you will need more time. I have given it to you. Time? And a final warning. The army is led by Ratash, one of the Ifrit. He will likely seek out the medallion. If you see him, do not fight him. You cannot hope to win against him. I'll keep that in mind. Go. There is no hope for this kingdom. You do not really like the sea. Why do I get the feeling this won't be as easy as it sounds? Okay, so... बहुत दुख की बात है कि हम लोग इसमें अब पानी नहीं पी सकते हैं। भाई, पानी पीने वाला सिस्टम हमको बहुत पसंद था। खैर, तो हमें बहुत कुछ पता चला है, जैसे कि रतास को हराया नहीं जा सकता है, उससे फाइट करना भी करना ही नहीं है, जो जिन है, जो मेन विलेन है। ओके, आर्मी। दिस मस्ट बी व्हाट शी मेंट बाय गिविंग मी मोर टाइम। आर दीस द पावर्स ऑफ द जिन? ओके, तो एक चीज हमें पता चला है, एक और चीज हमें पता चला है, और कहाँ टूटेगा, पहले ही दौड़ लो। ओके ओके, बच गए। अरे, हमको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ तो नहीं टूट सकता है। ओके, आगे टूट सकता था और हम गेस नहीं किए थे। I can get to the fortress through here. अब कॉम्बैट स्किल देख ही लेते हैं गाइस ना, थोड़ा फाइट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो की है उसके थ्रू से हम लोग सैंड नहीं बन पा, मतलब कि सैंड नहीं बन पा रहे। ये लोग किसी से भी टच करेंगे, वो लोग सैंड में बदल जाएंगे। भाई, बहुत ख़राब कॉम्बैक्ट है। अगर कोई फॉरगॉटन सैंड, मतलब कि द
टू थ्रोन्स और वारियर विदिन के बाद ये खेल रहा है ना, वो लोग पक्का डिसअपॉइंट होंगे ही होंगे। जैसा कि हम एक मिनट और क्या क्या तो था, अरे भाई हाँ एक ये था, एक ये था, और गिरे वाले को हम लोग ऐसे मार सकते हैं। यस कॉम्बो इसमें बहुत पहले ही दे दिया जाता है। अरे भाई हम मार खा रहे थे। हाँ एक ये, तीसरा वाला ज़्यादा खतरनाक है। यस प्रेस ओके, अपग्रेड हम लोग कर सकते हैं, हम इधर जाएंगे अच्छा रहेगा ना। ओके हमको क्या बताना था हम खुद भूल गए। हाँ ये सच है, जो लोग द टू थ्रोन्स या फिर वारियर विदिन खेले उन लोग को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन गेम प्ले तब भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा ही लगता है। सो दैट्स व्हाई हम भूल गए गाइस। ठीक है हमें यहाँ तक पहुँचना है, ओल्ड क्लासिक जैसे बताया जाता है। क्या हम सही किए? यस ओके चलो भाई। हो गया अरे हम भूल गए थे ये मटका सब में। हाँ ये सब हमें मिलता है हेल्थ, क्योंकि अब पानी पीने से तो मिलने वाला है नहीं, और ये पानी भी नहीं पीता है। अरे दरवाजा ग्लिच हो गया क्या? ये तो बंद था, ये तो बंद था गाइज, अभी हमने कटसीन में देखा ही था। ओके इससे ओके इससे बहुत डर लगता है सच्ची में, गलती मेरे से बहुत बार होता है। मटका ये भी, एक मिनट कहीं यहाँ ओके, हमको लगा बॉस फाइट तो नहीं होगा। एक मिनट भीड़ को गिराने का तरीका ये है। चलो सारे खत्म, इससे हमें एक्सपी मिलेगा। एक मिनट ये तो वही रास्ता है भाई, हमें यहाँ जाना है। यस ये वाला ऑल राइट कहाँ जाना है? ओके ये चीज काफी अच्छा लगता है देखने में, कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक है। Fixing all this really be so simple as reuniting the medallion house. I wonder if Malik waited for me. Okay, इधर जाना है। Yeah.
more traps, guys. Perhaps these defenses do have their uses. Okay. Okay, bach gaye. All right. At least some soldiers by now. Where is everyone? ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमको लगता है हम कुछ ज़्यादा ही खो गए, गेम खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सेंट के, हम वारियर दिन बोलने वाले थे, फॉरगॉटन सेंट के नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, ताकि हमको पता चले कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, राइट। ओके, सब टाइटल का कुछ कर लेते हैं। ओके, यस, कंटिन्यू वहीं से होगा ना पक्का। ओके, ठीक है समझ गए, वी आर सेफ। फिर भी हमको ऑटो सेव में इतना भरोसा नहीं है। ऑल राइट।